बच्चों के निशुल्क आधार कार्ड बनाने के लिए जिला अधिकारी ने दिया था आदेश। मोटी रकम वसूलने में जुटे आधार कार्ड बनाने वाले के लोग। जिला अधिकारी दीपक मीणा के आदेश के बावजूद भी बच्चों का आधार कार्ड बनाने में के लिए वसूले जा रहे मोटी रकम। मामला श्रावस्ती जिले के सिरसिया का है, लेकिन थाना होने के बावजूद भी दुकानदार हैदर अली को कोई भय नहीं है। वहीं अब महेश ने रुपए लेने का विरोध किया तो दुकानदार हैदर अली ने मारने की धमकी दे डाली। रुपए लेते समय वहां पर कुछ पुलिस कर्मचारी भी मौजूद थे, लेकिन उसके विरोध करने पर किसी पुलिस वाले ने ये नहीं बोला कि आधार कार्ड निःशुल्क बन रहा है। श्रावस्ती के जिलाधिकारी दीपक मीणा ने आधार कार्ड बनाने के लोगों को सख्त निर्देश दिए थे। बच्चों के आधार निःशुल्क बनने चाहिए, अगर वसूली करते हुए कोई पाया गया तो बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जिलाधिकारी के आदेश को दरकिनार कर आधार बनाने के लिए मोटी रकम वसूलने में जुटे हैं। श्रावस्ती से टॉप न्यूज संवाददाता मुझसे 200 रुपए लिए गए और बता रहे थे कि आप पहले तो लगेगा 400 रुपए बता रहे थे, लेकिन बोले कि आप आए तो आपका 4 है, इसलिए हम 200 रुपए ले लेंगे। 200 दिए तो बोले रसीद भी नहीं थे, पैसा भी ले लिए। रसीद किस लिए नहीं दी? हैदर अली ने, उनका मेरे पास वीडियो रिकॉर्ड भी है। अच्छा, आपने वीडियो रिकॉर्ड किया? जी जी। ठीक, किसी ने मना नहीं किया? पुलिस वाले जब पुलिस वाले कोई भी कुछ नहीं बोला कि आधार कार्ड का पैसा नहीं बोला? क्यों ले रहे हैं आप, ये कुछ भी नहीं कोई बोला। अच्छा ठीक, आधार कार्ड किस लिए बनवा रहे थे? आज स्कूल में नामांकन हो रहा है बच्चों का पढ़ाई करने के लिए, इसलिए स्कूल में मांगा जा रहा है, मास्टर लोग मांग रहे हैं, इसलिए तो बनवाने गए थे हम।